दूसरी कंडीशन रेजोनेंस की, यहां पॉजिटिव चार्ज मार्क कर दें, यहां पे डबल बॉन्ड मार्क कर दें, इस कंडीशन में आपको रेजोनेंस मिल सकता है। आप देखें इस बॉन्ड को मैं इधर से इधर मूव कर दूं, और क्यों मूव कर सकता हूं वो बात आप समझो। देखो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब p ऑर्बिटल होगी, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक प्योर p ऑर्बिटल इधर होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, एक चला गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब यहां पे दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, इस पे लोन पेयर जीरो, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एक पी ऑर्बिटल इधर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए सही पोजीशन है, पी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में मूवमेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसलिए यहां पे रेजोनेंस आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। रेजोनेंस यहां पर आप आराम से देख सकते हैं क्योंकि कंडीशन रेजोनेंस की बिल्कुल कंडूसिव है। इधर से इधर आप इसको मूव करें, इसका ऑक्टेट भी एक्सीड नहीं होगा और वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आपके पास माइक रखे आप, और आप मुझे ये बात बताएं, मैं एक एरो मार्क कर रहा हूं, क्या ये लीगल एरो है या इलीगल एरो है? लीगल और इलीगल का मतलब है क्या ये एरो आप लगा सकते हैं या ये एरो आप नहीं लगा सकते हैं? आप सोचें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एरो लीगल है या ये एरो इलीगल है? यदि माइक आपके पास है तो आप जवाब दे सकते हैं। इलीगल, ओके गुड। व्हाई इट इज इलीगल, क्यों लगा तुमको ऐसा कि ये पी ऑर्बिटल खाली नहीं? चलो एक कंडीशन तुमने बहुत मस्त पकड़ी कि यहाँ पे पी ऑर्बिटल कोई है नहीं, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको पी ऑर्बिटल चाहिए चाहिए था, एकदम सत्य बोल रहे हो तुम। मैं इसको और दूसरे तरीके से भी एक बार समझा देता हूं, तुम्हारी बात सही है बेटा। इस कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे क्योंकि कार्बन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसका मतलब नॉर्मल कार्बन है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे, मतलब तीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, तीन छुपे हुए हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। अब बेटा यदि ये मैं इस ओर एरो मार्क करूं तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में ये सी हो जाता, ये एच हो जाता, ये एच हो जाता, ये एच हो जाता, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। सोचो कार्बन पर जब ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में गिरता, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे तो कार्बन का ऑक्टेट एक्सीड हो रहा है, और कार्बन का ऑक्टेट एक्सीड तो नहीं हो सकता क्योंकि इधर तो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर नहीं हो सकते। इसका मतलब निश्चित रूप से ये एरो इस डायरेक्शन में नहीं बन सकता था, ये बिल्कुल ही इलीगल एरो था। सही बताया बेटा आपने, आप इसको ऑक्टेट नियम से भी देख सकते हैं, और पी ऑर्बिटल यहाँ पे खाली नहीं है, ये बात भी सही है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको पी ऑर्बिटल की जरूरत है। ये कार्बन बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी मैंने आपको बताया हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में होते हैं और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो है वो पी ऑर्बिटल रहेगा। इस पी ऑर्बिटल से इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो जाए। दूसरी बात, एक बहुत ही नेचुरल सी बात है कि उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, तो उसके पास कोई जगह नहीं है जिस जगह में वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एकोमोडेट कर पाए। ये बॉन्ड मूव करना चाहता है पर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ इसके चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इधर ऑक्टेट एक्सीड कर जाएगा, लुईस ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा, देयरफॉर दिस एरो इज इललीगल। ये सेकेंड कंडीशन थी जब रेजोनेंस मिलेगा। मैं थर्ड कंडीशन पे चलता हूं जब रेजोनेंस मिलेगा। दो कंडीशन
कंडीशन रेजोनेंस की हमने डिस्कस कर ली थी, मैं आपसे तीसरी कंडीशन डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर से यहां पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, यहां पर याद करो आप एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक या हाइब्रिडाइजेशन। जब मैंने आपको ये कंडीशन बताई है कि जब भी कोई एटम जिस पर लोन पेयर है वो स्वयं ऐसे एटम से जुड़ा हुआ हो जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इसका एक लोन पेयर आगे जरूर मूव करेगा। वापस सुन लें, वैसे लिखा हुआ है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में कि व्हेनेवर एटम हैज लोन पेयर दैट एटम इज इटसेल्फ अटैच्ड टू अ एटम व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, या यहां पे डी ऑर्बिटल खाली होता, द लोन पेयर ऑफ द एटम वन लोन पेयर, एक से लोन पेयर कभी मूव नहीं करता, सिर्फ एक लोन पेयर मूव करता, लोन पेयर ऑफ द एटम विल मूव एंड विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये लोन पेयर आगे मूव हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। अब सोचो बेटा, यदि हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा तो इसका मतलब यहां भी क्या हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो यहां भी क्या आ गया, एक तरीके से पी ऑर्बिटल बन जाएगा। ये इधर से इधर मूव करेगा तो ये इधर से इधर मूव कर जाएगा। यदि यूं हुआ तो ओ एच पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड और यहां पे पी ऑर्बिटल के अंदर एक नेगेटिव चार्ज और दो इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन की तरह हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, और नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए। इधर नेगेटिव चार्ज आया, यहां पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्स्ट्रा आया था, देयरफॉर यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये स्ट्रक्चर यूं नहीं टिकेगा, ये वापस से इधर जाएगा और ये वापस इधर से इधर मूव हो जाएगा, सिंपल। देयरफॉर दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको बोला जब भी किसी एटम पर लोन पेयर है और वो एटम स्वयं ऐसे एटम से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पहले वाले एटम का लोन पेयर आगे मूव होगा ही होगा। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप लोग वो सवाल करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये एरो लीगल है या फिर इलीगल है। ये स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, मैं इस एरो को यूं मार्क करता हूं, आप मुझे बताएं ये एरो लीगल है या इलीगल है। माइक आपके पास में, जवाब इलीगल है। ओके आप सही बोल रहे हैं, यदि इसको यहां से यहां मूव किया तो ऑब्वियसली यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर निश्चित रूप से नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से यहां है, तो यहां पर निश्चित रूप से जो आप बोल रहे हो एकदम सही बात है, एक दो तीन चार, मतलब चार इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, दो ये हो गए छह और दो ये हो गए कितने हो गए टोटल आठ, और दो ये हो गए टोटल कितने हो गए दस। ऑक्सीजन का बेटा ऑक्टेट एक्सीड हो गया है जो कि लुईस ऑक्टेट नियम के अनुसार गलत है, लुईस ऑक्टेट रूल के अनुसार गलत है, इसलिए आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, ये एरो कंप्लीटली इलीगल है, ये एरो इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। शाबाश हुशियार बच्चे, मैं एक और सवाल पूछता हूं, आप उस सवाल का जवाब दीजिएगा। सेम स्ट्रक्चर में, कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं। बेटा इधर लोन पेयर मूव हुआ था और पाई बॉन्ड मूव हुआ था, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या पाई बॉन्ड पहले मूव होगा या लोन पेयर पहले मूव होना शुरू होगा। आप समझे बात को, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से चलेगा, लोन पेयर पहले मूव करेगा या पाई बॉन्ड पहले मूव करेगा, विथ रीजन आप बताएंगे, ट्राई करें।
आप ट्राई करें, आप सही बताएंगे। गुड रीजन ना बेटा, रीजन इज नॉट वेरी करेक्ट, क्योंकि ज्यादा जगह एटम के ऊपर चाहिए होती है, आगे मूव कर रहा है तो उससे उसका रिलेशनशिप एसेस तो नहीं है। होशियार बच्चे, आपका उत्तर एकदम सही है बेटा। लोन पेयर हरदम एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, जबकि पाई बॉन्ड दो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। कौन जल्दी मूव करेगा? ऑब्वियसली लोन पेयर। लोन पेयर चूंकि सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, जबकि पाई बॉन्ड जनरली दो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, इसलिए लोन पेयर पे लोन पेयर ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है एज फार एज द अनस्टेबिलिटी इज कंसर्न। तो लोन पेयर तुरंत मूव हो जाएगा, उसके बाद में मूव होगा पाई बॉन्ड। तो आप जब एरो मार्क करते हो तो आप लोन पेयर को मूव कराया करो, उसके आगे फिर निश्चित रूप से पाई बॉन्ड को मूव कर दिया करो। इससे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं आपसे दो कंडीशंस, तीन कंडीशन ज्यादा डिस्कस कर चुका हूं, चौथी कंडीशन एक और डिस्कस करता हूं, और वो एक्चुअली पुरानी जैसी है, मतलब जो पहले जो अभी याली डिस्कस कर रहा हूं इसके ही जैसी पुरानी कंडीशन है। देखिए हम ये हो गया और ये हो गया, इसके लिए किताबें लिख देती है नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट विद दी पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट विद दी पाई बॉन्ड। आप देखो बेटा यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पे पाई बॉन्ड है, तो यदि आप इसको इधर से इधर मूव करेंगे, अभी अभी आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि यदि किसी एटम पर लोन पेयर है और वो खुद ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसका लोन पेयर आगे मूव हो जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इस पर हिडन हाइड्रोजन कितने हैं, लोन पेयर तो मूव करेगा ही करेगा नो डाउट। बेटा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो दो तो ये दिख रहे हैं, एक बॉन्डिंग में चला गया, बचे दो, तो एक हिडन हाइड्रोजन और ये दूसरा हिडन हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से यहां मूव करूंगा और इसको यहां से यहां मूव कर दूंगा। क्लियर बेटा, ये इधर से इधर मूव होगा और ये इधर से इधर मूव हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर तो अब हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लेगा क्योंकि वो मूव हो रहा है, इट विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका होता 1, 2, 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब यहां पे क्या हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, इन पे पी ऑर्बिटल है ही। ये कंडीशन नंबर 4 हो गई जब आपको रेजोनेंस मिलेगा, व्हेन नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट्स विद द डबल बॉन्ड। क्यों मूवमेंट हो रहा है ये बात आपको क्लियर होगी, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जैसा लास्ट कंडीशन में था वही सेम यहां पर है, सिर्फ शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। यहां हमने यूज किया नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट्स विद द पाई बॉन्ड और वहां था लोन पेयर अल्टरनेट्स विद द पाई बॉन्ड। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ कंडीशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रेजोनेंस, या जब रेजोनेंस मिलेगा। पांचवी कंडीशन कौन सी है, देखिए हम CO पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं, ऑब्वियसली यहां पे दो हिडन हाइड्रोजन हो जाएंगे नो डाउट, यहां पे H लगा देता हूं, ये रहा लोन पेयर। तो लोन पेयर एंड ऑन एडजेसेंट पोजीशन पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट, अगेन कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसके पास पी ऑर्बिटल है। आपने ये बात अभी भी सीखी है कि यदि लोन पेयर कंटेनिंग एटम के बगल में कोई ऐसा एटम है जिस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो लोन पेयर आगे मूव कर जाएगा, पर एक ही लोन पेयर मूव करता है ये बात आप जानते हो, तो ये वाला लोन पेयर आगे मूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ये बच गया, एक तो मूव हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लेगा, 1, 2, 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी। तो मैंने आपको 5 कंडीशन रेजोनेंस की बताई, एक और बताता हूं, लास्ट कंडीशन जब हम रेजोनेंस देखते हैं। जैसे मान लो बेटा मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, आप मुझे इस सवाल का उत्तर बताएंगे, उसके बाद मैं आपको कंडीशन समझाऊंगा। मैं एरो
मार्क करता हूं, आप बताएं एरो लीगल है या इलीगल। बहुत ही आसान सवाल है, बताएं सर बच्चों। लीगल या इलीगल, ये सचमुच आसान सवाल है, आपको इसका जवाब देना चाहिए। इलीगल है। हाँ, क्यों इलीगल है? बिल्कुल सही है, मतलब इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि बहुत ही आसान सवाल है। यदि आपने यहां से यहां इसको मूव किया तो बेटा नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएगा, नाइट्रोजन पांच बॉन्ड कभी नहीं मिला सकता, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। तो 2p3 मतलब 2s2 2p3 मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते 8 हो सकते, क्योंकि 2s और 2p दो ही सब शेल्स है, उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नाइट्रोजन होल्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एरो का मूव होना पॉसिबल ही नहीं है, इट इज अ कंप्लीटली इलीगल एरो। मैं इसको बदलता हूं, इसके बाद छठवीं कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। इस एग्जाम्पल में मैं नाइट्रोजन मिटा के फॉस्फरस लिख देता हूं। अब सोचें आप, क्या ये एरो लीगल है या इलीगल है? मैं आपको मौका देता हूं, आप तुरंत बताएं ये एरो लीगल है या इलीगल है। आपको उत्तर पता है एक्चुअली, इसलिए आप उसका रीजन भी बताएं, जल्दी बताएं बेटा। लीगल, कारण बोले। वेरी नाइस, ये लीगल एरो है। ये लीगल एरो इसलिए है क्योंकि बेटा आपको 11th क्लास का ये पोर्शन याद होगा, सिजविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। ये बात भी यदि याद नहीं है तो आप में से कई बच्चों ने PCl5 तो सुना हो अब तक, और PCl5 मिलने का मतलब ये है कि फास्फोरस पेंटावेलेंट हो सकता है। और वैसे भी सिजविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी बोलता है कि थर्ड पीरियड का मेंबर मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक दिखा सकता है। यदि आप PCl5 को उसकी सॉलिड स्टेट में देखोगे तो वो PCl6 नेगेटिव और PCl4 पॉजिटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब फास्फोरस 5 बॉन्ड तो क्या 6 बॉन्ड तक बना सकता है। इसका मतलब ये एरो डेफिनेटली लीगल है। और बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल खाली है इसलिए ऑक्टेट एक्सीड कर सकता है। यदि फास्फोरस आप देखो तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 and 3d0। इसका मतलब डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। डी ऑर्बिटल का जो भी, क्योंकि डी ऑर्बिटल का शेप यदि आप देखो तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन्स पे और पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो इस प्लेन में जो भी डी ऑर्बिटल आएगा वो इसके साथ में मैच कर जाएगा। पी एक्स जो भी आएगा वो इसके साथ में मैच कर जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा डी एक्स वाई तो हो ही गई, तो ये बॉन्ड इधर से इधर मूव हो जाएगा डेफिनेटली, और यू विल गेट द रेजोनेंस इन दिस कंडीशन ऑल्सो। सो दिस इज द सिक्स्थ कंडीशन व्हेन यू विल गेट अ रेजोनेंस। इस दौरान मैंने आपको लीगल एरोस और इलीगल एरोस के बारे में थोड़ी सी बात बताने की कोशिश की है। जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं वापस से ये वाली बात करूंगा। अभी मैंने आपको 6 कंडीशन रेजोनेंस की पढ़ाई है। होशियार बच्चों, इसका एक जिस्ट मैं यदि आपको बताऊं तो जस्ट आप एक बात समझे कि यदि सभी एटम्स पर यदि आपको पी ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, जितने भी एग्जाम्पल अब तक आपने लिए सभी पे पी ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, यदि आपको मतलब सभी ऑर्बिटल्स में यदि आपको पी ऑर्बिटल एटम्स पे दिखाई दे रहा है या डी ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, तो आप मान लें यहाँ पे रेजोनेंस आपको मिलने वाला है। पर पी ऑर्बिटल दिखने के लिए आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही हो तभी आपको रेजोनेंस देखने को मिले। ये लास्ट एग्जाम्पल में फॉस्फरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बट उसके पास डी ऑर्बिटल खाली है। यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, उस केस में आपको रेजोनेंस मिलेगा। तो आप 6 कंडीशन जो रेजोनेंस की है वो अब तक समझ चुके होंगे।